दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है बिहार DLED जो है वो अपना रैंक कार्ड जारी कर दिया था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना रैंक कार्ड तो देख ही लिए होंगे। मार्क्स भी बताया जा रहा था कि आपका कितना मार्क्स जो है वो उसमें आया है। ठीक है, आप अपने कैटेगरी वाइज जो है वो वहाँ पर आप अपना रैंक देख सकते हैं। ठीक है, और इसका DLED में नामांकन के लिए जो है वो कब से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको पूरा प्रूफ के साथ में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से ज़रूर शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसका हम मेन मुद्दा पर चलते हैं। इसका सबसे पहले हम सीट के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं अभी आपको। ये देखिए, दैनिक भास्कर आज का ही ये न्यूज़ है। ठीक है ना, आज का पेपर है ये, पटना 20/10/2022। ठीक है ना, ये मेरे पास आज का न्यूज़ है, इसमें आपको हम अभी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीट की जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कुल सीटों की संख्या अगर हम पूछें तो 30,700 सीटों पर होगा नामांकन। ठीक है, कितना सीटों हैं यहाँ पर बिहार DLED में है, जो 30,700 सीट जो है वो आपका रिजर्व है। ठीक है, 3,700 सीट आपका खाली है, रिजर्व नहीं, खाली है। ठीक है, तो DLED में नामांकन के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, यानी कि 21 तारीख से, कल से मतलब कि 21 तारीख से DLED में नामांकन के लिए आवेदन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होगा।